ओम शांति। बाबा हम बच्चों को अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए आए तो बाबा सदा श्रीमत देते, ब्रह्मा बाप को कॉपी करो। जब हम लौकिक पढ़ाई पढ़ते हैं तो उसमें कॉपी नहीं चलती, पर जब ईश्वरीय पढ़ाई करते हैं तो स्वयं भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा बाप को फॉलो कर, ब्रह्मा बाप के समान बनो और ऊंच पद प्राप्त करो, जिसके लिए बाबा ने हम बच्चों को लक्ष्य दिया, ब्रह्मा बाप के संकल्प बोल और कर्म को स्वयं में धारण कर उनके समान स्वरूप बनाने का। तो आज चेक करेंगे ब्रह्मा बाप के कदम और हमारे कदम कितने ब्रह्मा बाप के समान हैं और कितने अलग हैं। तो जो भी हम में कमी कमजोरियां हैं उन्हें चेक करके चेंज कर ब्रह्मा बाप के समान बनाने का पुरुषार्थ करेंगे। ब्रह्मा बाप में सबसे पहली विशेषता थी ब्रह्मा बाबा का मुरली से अटूट प्यार। ब्रह्मा बाबा को मुरली से अटूट प्यार था, तो चेक करना है कि हम बाबा की मुरली से कितना प्यार करते हैं, कितना बाबा की मुरली को पढ़ते हैं, कितना रिवीजन करते हैं, उसमें आने वाली बातों को कितना स्वरूप में लाते हैं। दूसरी विशेषता ब्रह्मा बाबा में थी, ब्रह्मा बाबा ने जो सोचा जो कहा वही किया, अर्थात ब्रह्मा बाप के संकल्प बोल और कर्म समान थे। जैसे वे अंदर से थे वैसे ही बाहर से थे। तो हमें चेक करना है कि मेरा हर संकल्प ब्रह्मा बाप के समान शुभ व कल्याणकारी है, मेरा हर बोल मधुर है, उमंग उत्साह दिलाने वाला है, हर कर्म से गुणों का दान करते हैं, तो ब्रह्मा बाप सदा हर संकल्प में शुभ कामना शुभ भावना रखते थे, सदा कल्याणकारी संकल्प करते थे। बाबा सदा हर बच्चे के प्रति मधुर बोल रखते थे और उमंग उत्साह दिलाने वाले बोल ब्रह्मा बाबा सदा बोलते थे। उनके हर कर्म द्वारा गुणों की प्रत्यक्षता होती थी। तीसरी विशेषता ब्रह्मा बाप में, ब्रह्मा बाप अपोजिशन में भी अपनी पोजिशन में रहे। ब्रह्मा बाबा कैसी भी परिस्थिति हो सदा अपनी पोजिशन अर्थात सीट पर सेट रहे। तो हमें भी चेक करना है, मेरी कोई ग्लानी करे, निंदा व विरोध करे, स्तुति करे या अपमान करे, क्या सब में मेरी समान स्थिति रहती है या अंतर आता है? किसी भी अपोजिशन के समय मेरी स्थिति समान रहती है? तो चेक करना है कि हर समय एक अवस्था बनी रहे। चौथी विशेषता ब्रह्मा बाबा में थी, ब्रह्मा बाबा निश्चय बुद्धि के कारण बेफिक्र बादशाह रहे। ब्रह्मा बाबा निश्चय बुद्धि होने के कारण सदा बेफिक्र बादशाह रहे। तो हमें भी चेक करना है, हर परिस्थिति में स्थिति अचल अडोल रहती है? एक का बल एक में पूरा भरोसा है, एक बल एक भरोसे के आधार पर ही स्थिति अचल अडोल बना सकते हैं। ड्रामा के हर दृश्य में सदा साक्षी रहते हैं, सभी बातों में निश्चय बुद्धि निश्चिंत स्थिति का अनुभव होता है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को ऐसा निश्चय था कि मैं बादशाह बन रहा हूं, तो वे कोई भी परिस्थिति आती कैसी भी सरकम स्टांस होती
हर समय बाबा को साथ रखते, एक बल एक भरोसे के आधार पर हर सीन को साक्षी होकर देखते, तो सदा उन्होंने अपनी स्थिति निश्चिंत और निश्चय बुद्धि बनकर रहे। पांचवी विशेषता ब्रह्मा बाबा में थी एकांत प्रिय के साथ साथ मिलनसार थे। एकांत प्रिय के साथ साथ मिलनसार थे तो हमें भी चेक करना है। अंतर्मुखी बन हम ज्ञान का मनन करते हैं, बाप की याद में रहते हैं, सर्व के संबंध संपर्क में आते मिलनसार रहे हैं। अंतर्मुखता की स्थिति का अनुभव होता है। जिस प्रकार ब्रह्मा बाबा कर्म करते, बोल बोलते, हर समय व्यक्त अव्यक्त स्थिति की अनुभूति कराते थे, एक समय में एकांत में चले जाते थे और एक सेकेंड में ही मिलनसार हो जाते थे और हर आत्मा के प्रति समान दृष्टि वृत्ति रखते थे, तो हमें भी सदा ब्रह्मा बाप को ऐसे ही कॉपी कर ब्रह्मा बाप के समान बनना है। छठी विशेषता ब्रह्मा बाबा में थी सदा उपराम और साक्षी दृष्टा बन संपूर्णता को प्राप्त किया। उपराम और साक्षी दृष्टा बन संपूर्णता को ब्रह्मा बाबा ने प्राप्त किया। तो हमें भी चेक करना है देह और देह के संबंधों में उपराम न्यारापन कहां तक रहता है, कहां तक हम उपराम और न्यारा बने हैं, अपनी बुद्धि और संस्कारों में उपराम कहां तक बने हैं, मैं और मेरे पन से उपराम कहां तक बने हैं। तो खुद को न्यारा प्यारा उपराम बनाने के लिए सदा साक्षी दृष्टा होकर रहना है, सदा खुद को संपूर्ण संपन्न अनुभव करना है। सातवीं विशेषता ब्रह्मा बाबा में देखी एकांत प्रिय और एकाग्रता द्वारा शांति की शक्ति से संपन्न रहे। एकांत प्रिय और एकाग्रता द्वारा शांति की शक्ति से ब्रह्मा बाबा सदा संपन्न रहे। तो हमें भी चेक करना है कि शांति की शक्ति द्वारा तड़पती हुई आत्माओं को जीवन दान दे सकते हैं, इतने भरपूर बने हैं। लाइट माइट हाउस की स्थिति से विश्व को लाइट माइट दे सकते हैं। साक्षात्कार मूर्त द्वारा भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने की अनुभूति करा सकते हैं, जिस प्रकार ब्रह्मा बाप ने कराई। आठवीं विशेषता ब्रह्मा बाबा की थी एकांत प्रिय के साथ साथ अंतर्मुखी रहे। एकांत प्रिय के साथ साथ सदा अंतर्मुखी रहे। ऐसे ही हमें भी चेक करना है। अंतर्मुखता के द्वारा सदा शांति और सुख के सागर में समाए हुए अनुभव करते हैं, अन्य आत्माओं को भी अपने शुद्ध संकल्पों और वाइब्रेशन द्वारा शांति और सुख की अनुभूति करा सकते हैं, जिस प्रकार ब्रह्मा बाबा कराते थे। वे सदा अंतर्मुखी होकर रहते थे, सदा बाबा की याद में रहते थे, अर्थात सुख के सागर में समाए रहते थे। तो वे संपूर्ण संपन्न थे, सर्व आत्माओं को साक्षात्कार कराने के निमित्त बने। नवी विशेषता ब्रह्मा बाबा में देखी सदा आधार मूर्त और उद्धार मूर्त स्थिति रही। ब्रह्मा बाबा आधार मूर्त और उद्धार मूर्त स्थिति में स्थित रहते थे। तो ऐसे ही हमें भी चेक करना है कि मनसा द्वारा शक्तियों का दान कर विजयी कहां तक बने हैं, वाणी द्वारा ज्ञान रत्नों के दान से एक एक
रत्न वैल्यूबल बनाते हैं। चलन और चेहरे से फरिश्तेपन की झलक कहां तक दिखाई देती है। दसवीं विशेषता ब्रह्मा बाबा में देखी सदा एवर रेडी और सर्व शक्तियों से संपन्न रहे। ब्रह्मा बाबा सदा एवर रेडी और सर्व शक्तियों से संपन्न रहे, तो ऐसे ही हम बच्चों को भी ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। साक्षी और साथीपन कहां तक रहते हैं यह चेक करना है। सर्व शक्तियां हर समय आर्डर मानती हैं, चेक करना है। देह अभिमान का जरा भी अंश नहीं, यह अवस्था कहां तक बनी है। तभी हम ब्रह्मा बाप को कॉपी कर ब्रह्मा बाप के समान बन सकते हैं। ब्रह्मा बाप की 30 ऐसी विशेषताएं हैं जिनके द्वारा हम स्वयं को चेक कर चेंज कर ब्रह्मा बाबा के समान बन सकते हैं। तो अगली और विशेषताएं अगले वीडियो में। अच्छा, ओम शांति।